तो फिर डन है, कल अच्छा सा डिनर सब साथ करते हैं। अरे डिनर तो वैसे भी हम सब साथ ही करते हैं, इसमें नया क्या है? हाँ ये तो है, लेकिन कल कुछ खास है। क्या खास है ये तो बताओ। कल महनूर डिनर बनाएगी। लो इसमें क्या खास बात है, महनूर बिचारी रोज ही खाना बना रही है और मुझे किसी चीज को हाथ लगाने भी नहीं देती। सारा सा खाना ही तो बनाना होता है, और वैसे भी खाने बनाने का शौक है मुझे बहुत ज्यादा, तो यूं समझ लें कि मैं अपना शौक ही पूरा कर रही हूँ। लेकिन अबरार तुमने अभी तक नहीं बताया कि स्पेशल क्या है। भैया वैसे तो हम लोग सब साथ हो ही गए, लेकिन खास बात यह है कि अब भाईचंद भी ठीक हो गए, तो इस खुशी में मैं चाहता हूँ कि मैं और महानूर मिलकर सबको डिनर दें। हाँ भाईजान का ठीक होना तो वाकई बहुत खुशी की बात है, उस पर तो सेलिब्रेशन बनती है। आप इसके लिए तो आंटी से इजाजत देनी पड़ेगी ना। अम्मी की फिक्र तुम मत करो, मैं उन्हें बता दूंगा, बस तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। ठीक है। ऐसे ना बहुत जज्बाती हो, फौरन फौरन सारे फैसले लेते हो। वो तो मैं करता हूँ, लेकिन मुझे ये पूछना है कि मेन्यू में क्या है। वैसे भाभी तो बहुत खुश हुई, आफरीन का क्या रिएक्शन था? अभी तक आई नहीं है, मुझे तो लगा था रात में भागी चली आएगी। वैसे पता है आफरीन से बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि वो कोई ना कोई हरकत ऐसी जरूर करेगी जिससे तुम्हारी पोजीशन खराब हो। जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर भाई का बताएं कैसे हैं? उसे तो सिर्फ हूँ हाँ में बातें करते हैं, उसको तो चुप्पी सी ही लग गई है, कोई बात करो कोई जवाब ही नहीं देता। हाँ कभी कभार मूड होता है तो दो चार अल्फाज बोल देता, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। शादी की बात की आप? शादी की बात भी कई बार की है, पर उसकी ना तो हाँ में बदल ही नहीं रहती। पहले तो फिर कभी कोई रिएक्शन दे देता था, लेकिन अब तो मैं उससे बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दीवारों से बात कर रही हूँ। भाई ऐसे कैसे जिंदगी गुजारेंगे? अब तो अल्लाह पर ही है, वो मेरी दुआएं सुन ले, मेरे बेटे की वीरान जिंदगी में बाहर ले आए।